अपने इस शिशु मंदिर के प्रधानाचार्य रविंद्रनाथ दास जी, अपने उत्कल प्रदेश के विधानसभा में परम स्नेही मित्र सम्माननीय विधायक श्री सुभाष चंद्र जी बेहरा, अपने जिला के सम्माननीय कलेक्टर साहेब श्री विजय अमृत जी, भारत में शिक्षा का प्रसार प्रचार संस्कारित शिक्षा, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाना, तू जिए दिल दूसरों के लिए जैसे ऐसी शिक्षा, उसके हमारे पुरोधा डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी पटनायक जी इस रजत जयंती उत्सव के ऊपर सभी सुधी वृंद, सभी वंदनीय प्रिय भाई एवं भौनी माने समस्तों को वो नमस्कार अभिनंदन अभिवाद। अभी तक आपने यहां से सुना है, अब हम आपसे सुनना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, और उस बात बात में हम क्या चाहते हैं ये समझ में आना चाहते हैं। तो मैं तीन प्रश्न उठाता हूं, हर प्रश्न का उत्तर जो भी बालक देगा उसको 10,000 रुपए का इनाम मिलेगा। बोल सकता है उसका जवाब। मैं जब इधर आया तो सबसे पहले ओम का उच्चारण किया गया, तो मेरा पहला प्रश्न यही है कि ये ओम क्या है। आप आपस में पूछ सकते हैं, नकल मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा मेरा प्रश्न है कि अभी हमारे डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी ने भारत माता की जय कहा, ये भारत माता क्या है, ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है कि जब मैं आया तो इधर खिले हुए पुष्प थे, तो इस खिले हुए पुष्प का क्या अर्थ है, किसी भी पुष्प से जो खिला हुआ है उससे क्या 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 आप बात समझ सकते हैं, ये तीन प्रश्न है। हर प्रश्न का उत्तर कोई भी दे सकता है, एक प्रश्न का उत्तर एक दे सकता है, दूसरा भी दे सकता है, तीसरा भी दे सकता है, जितने भी लोग देंगे प्रश्न का उत्तर गलत होगा तो वैसे दुगना पैसा मिलता है, लेकिन गलत भी बोलेंगे तो भी 5,000 रुपए मिल जाएगा। तो अगर आप ठीक जवाब देते हैं तो हर प्रश्न के उत्तर का जवाब ठीक मिलने पर 10,000 रुपए का आपको इनाम है। तो कोई भी बच्चा खड़ा होके किसी भी प्रश्न का, तीन प्रश्न है, ओम क्या है, भारत माता क्या है, खिले हुए पुष्प से आप क्या समझते हैं, ये तीन प्रश्न है। खिले हुए पुष्प से कोई कुछ समझता है, कोई कुछ समझता है, जो समझता है जैसा समझता है, ओम को भी जैसे कोई समझता है जैसे समझता है, भारत माता को जैसे आप समझते हैं वैसे आप, इनमें से किसी का भी कोई जवाब दे सकते हैं। पीछे कॉर्डलेस होगा, आप एक कॉर्डलेस दे दीजिए, है तो बताइए, क्योंकि अभी तक यहीं से हम भाषण करें जमेगा नहीं, हम आपसे भी सुनना चाहते हैं, तो बताइए, शुरू करिए, कौन करेगा सबसे पहले, जल्दी जल्दी से बोलना है। सबसे पहले मैं राज्यपाल जी का अभिवादन करना चाहता हूँ। मैं इस शिशु मंदिर का पूर्व छात्र हूँ। आपका पहले सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूँ सर। ओम का क्या? सर, ओम वो ध्वनि है जो सृष्टि की प्रारंभ होने से पहले था और सृष्टि की अंत होने के बाद भी रहेगा। ये वो ध्वनि है जो मतलब सारे ध्वनि का जन्म जहाँ से हुआ है, ये वो ध्वनि है जो हमारी अभी आप बहुत लंबा हो गए, केवल ये बता दीजिए, सृष्टि मतलब कभी थी नहीं ऐसा भी मानते हैं क्या?
सृष्टि से पहले सृष्टि के बाद, इसका मतलब आपका कहने का कि सृष्टि पहले कभी थी नहीं, ऐसा? हाँ सर। अच्छा ठीक, चलिए और कोई बोलेंगे? अभी आपका जवाब ठीक है कि गलत है ऐसा नहीं बता रहा मैं, चलिए जल्दी से बोलिए दूसरे दबाव। भाग्यश्री पंडा हूँ जी, इस स्कूल की पूर्व छात्री। बात आपने पूछा कि भारत माता का मतलब क्या है, भारत माता मतलब मातृभूमि है, और आपने कहा जय क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम मातृभूमि को सम्मान देते हैं इसलिए भारत माता की जय कहा जाता है। बाकी दुनिया के देश तो नहीं बोलते ऐसे भारत माता जैसे अमेरिकन माता और क्योंकि हमारा वो संस्कार है, हम माँ जैसे मानते हैं हमारी धरती को। वो सारे बिगन बिना ठीक है भाई, वो सब बिना संस्कार के। चलिए वो उनका संस्कार अलग है, हमारा संस्कार अलग है। ठीक ठीक, चलिए और कोई बोलिए, बोलिए बोलिए, शाबाश बहुत अच्छा बोले जल्दी जल्दी बोले। खिले हुए पुष्प के बारे में बताएं। खिले हुए पुष्प का मतलब ये है, आप ना बताओ, तीसरा कोई बताएगा, दूसरे को बता दो, आप किसी दूसरे को बता दो, सारे पैसे आप ही छोड़ा लेंगे। जी मैं स्मृति रूपा त्रिपाठी हूँ, इस विद्यालय की पूर्व छात्री, और मैं राज्यपाल जी के सामने में खड़ी हूँ इसलिए खुद को बहुत आभारी मानती हूँ। मैं आपके तीसरे सवाल जो पूछा है कि खिले हुए पुष्प इसका मतलब क्या होता है, कि जब एक फूल एक पेड़ में रहता है तो इतने सारे कांटे होते हैं फिर भी वो फूल अपनी सुंदर से सबके मन को मोहित करता है, और हमें भी हमारा जीवन से फूल से कुछ सीखना चाहिए कि परिस्थिति जितना भी मुश्किल हो हमें हमेशा हौसला से उसकी सामना करना चाहिए, कभी भी दुख के बारे में ना सोचकर। बहुत अच्छा, बहुत बोला, अच्छा बोला है तुमने, खूब अच्छे से बोला है। एक आपने पुष्प का अच्छा वर्णन किया है, डिस्पाइट ऑल द आउट्स परसिस्टेंस रहना चाहिए, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे प्रभु जगन्नाथ, दुनिया के पालन ये बताया है, बहुत अच्छा बताया। कैसे भी हालात क्यों ना हो अपनी मुस्कुराहट को कायम रखें, जैसे लॉर्ड जगन्नाथ रखता भगवान कृष्ण, कभी उदास नहीं देखोगे, हमेशा मुस्कुराता रहे। स्माइलिंग टेंडरनेस इज द एस्पेक्ट ऑफ द डिवाइन, तो ये बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छे से बताया, 10,000 पक्का। अभी कोई और भी बता सकते हैं, दूसरी खासियत बताएं पुष्प की, एक उसने बताया, अच्छा बताया, और कुछ बताएं? पुष्प की कई खासियतें हैं लेकिन एक अच्छा बताया है। राज्यपाल जी महोदय को सत्सत प्रणाम, मैं स्कूल की पूर्व छात्री सौम्या हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि फूल हमेशा कोमल होता है, तो इस तरह हर इंसान का हृदय भी बहुत कोमल होता है, तो जैसे एक खिलते हुए फूल को देख के हर इंसान मोहित हो जाता है, ऐसे अगर हर इंसान खिले हुए हमेशा हंसते हुए रहेगा तो वो भी हर जन के मन को मोह लेगा, तो वो भी एक खिले हुए फूल की तरह ही सुंदर और मनभावक लगेगा। आपने वैसा सा ही बताया है, आप कहना चाहते हैं कि सेल्फ गिविंग है, समर्पण है, फाउंटेन ऑफ लव होता हृदय, गीता मम हृदय पार्थ, भगवान कृष्ण जगन्नाथ कहते हैं पार्थ को, गीता मेरा देह है, बिलोंगिंगनेस नर्चर्स का हृदय, फाउंटेन ऑफ लव मोहित इसीलिए तो करता है, प्यार और प्रेम में अंतर है, प्यार में आपके पास जो कुछ है वो देते हैं, प्रेम में आप अपने आप को दे देते हैं। पुष्प की सुंदरता ये है कि वो केवल खुशबू नहीं देता, वो अपने आप को समर्पित कर देता है।
तो आप जो कहना चाहते हैं वो ये है कि इस ब्रह्मांड में अपने आप को बिना किसी शर्त के अपने अस्तित्व के सुख और प्रेम को ऑल द प्लेजर्स एंड द कंफर्ट्स ऑफ द एग्जिस्टेंस शुड बी गिवन टू अदर्स विदाउट एनी कंडीशन, बिना किसी शर्त के अपना सर्वस्व दूसरे को देना, ये पुष्प दूसरी बात सिखाता है। 10,000 पक्का। तीसरा कोई बात बोले? बोले बहुत अच्छा बोले ना, और क्या बताता पुष्प? असम संग्राम आपके लड़े सम ओम का मतलब बोल रहा चाह रहा हूँ। ओम का मतलब है ब्रह्मा विष्णु और महेश, तीनों रूप है ओम का मतलब। ओम मतलब संहार और सृष्टि और सिस्टम। आप हमें फंसा देंगे, हम समाज पूछेंगे, सृष्टि पूछेंगे, गड़बड़ हो जाएगा सर। एक ही प्रश्न में कई प्रश्न अड़ा देंगे आप। चलिए बैठिए, बैठिए बैठिए बैठिए। और भाई अभी 3-4 मिनट और हैं, 5 मिनट में कोई भी दे 10,000 रुपया मिलेगा। मैं करोड़पति तो नहीं बना सकता, लेकिन जितना मेरे पास है वो मैं दे सकता हूँ। चलिए चलिए शाबाश। वो पीछे से बोले, इधर ही सब हो गया, बोलेंगे चलिए खत्म करें फिर, और किसी को पैसा नहीं लेना। चलिए लेने दीजिए, हो गया। कोई और बताना चाहता है? हाँ बोलो बेटे। जल्दी से भैया, हाँ बोलो भैया, पहले तो नहीं बोले ना। नहीं जी। हाँ बोलो जी। मेरा नाम अविनाश टुडू है, मैं इस विद्यालय की कोई बदलना चाहता हूँ। हाँ। और आपको मेरे आभार जाना था जी। जी ओंकार का मतलब ईश्वर का एक वचन है ये, और ईश्वर का प्रणव है वही। ओम मैं पूछना हूँ, आपने संस्कृत में प्रणव कह दिया, मैंने ओम कहा, हिंदी में इतना ही अंतर। प्रणव का मतलब प्राण है। प्राण है। हाँ। अच्छा भाई धन्यवाद। और बस हो गया। चलिए अब हाँ बोलो बेटे। सृष्टि का आद्य शब्द है ओम। अच्छा चलिए बैठिए, हो गया सब। चलिए पहले हम तीसरे प्रश्न से शुरू करते हैं। दो बातें उन्होंने बताई, अच्छी बताई। फ्लावर एमिट्स फ्रेग्रेंस टू द बिलीवर्स टू द नॉन बिलीवर्स टू द डव्स एंड द ड्रैगन्स। एक्सक्यूज मी, राक्षस आ जाए उसको भी खुशबू देता है। एक्सक्यूज मी, हाँ बोलना चाहता है कोई? Good afternoon, Your Highness. I am Nishikant Pradhan. I am an old student of this prestigious organization. जी जी बताइए। I would like to answer two questions. जी The first one is Om. हाँ। So I must say Om is the first word of this world, and it consists of three letters O, U, Ma. That's why when we combine these three words, that consists of Om. ठीक, चलिए आगे। And my second answer is khile hue pushp, and the phrase khile hue pushp says that it says the joy of giving, irrespective of the environment wherever it is placed, it always spreads its fragrance. So whether it is placed in the temple or whether it is placed in the waste garbage collection or any other place, so whenever we place the flower, it only spreads its fragrance, and that's symbolized that irrespective of the place wherever we are placed, we should spread good vibes. ऐसा कोई देश अपने देश में भारत में ऐसा कोई प्रदेश है जहां पर हर प्रकार का पुष्प दुनिया के मिट्टी से हर प्रकार का पुष्प खिलता हो? I must say this is my proud
मदरलैंड ओडिशा। बैठिए। चलिए अब हम अपना शुरू करते हैं, 5-7 मिनट में आप संक्षेप में बोलेंगे। पुष्प के लिए कोई देश नहीं, कास्ट नहीं है, क्रीड नहीं है, कलर नहीं है, कनिंगनेस नहीं है, क्लेवरनेस नहीं है, कॉन्स्पिरेसीज नहीं है, करप्शन नहीं है। राक्षस आ गया तो उसको भी सुगंध देता है, देवता आ गया उसको भी सुगंध देता है, चाइना का प्राइम मिनिस्टर आएगा तो उसको भी देंगे, फ्रांस का आएगा तो उसको भी देंगे, हर एक को अपनी सुगंध प्रदान करता है। अर्थात The feeling of eyes and minds and yours are absent. मैं हूं, मेरी सुगंध, तेरी सुगंध, तुम्हारी सुगंध, ये इससे गायब है। Education is resurrection, awakening the consciousness in the mind, liberating yourself from the concept of eyes, minds and yours. शिक्षा आपको जो स्वतंत्र कर दे मैं से, ऐसे ही बोलते हैं कि असा विद्या या विमुक्त ये तमसुर मां ज्योतिर्गमाया, विद्या अमृतम अश्रुते विद्या ददाति विनयम असतो मां सतो गमाया। ईगो सेंट्रिज्म टू जियो सेंटरिज्म, सेंस ग्रेटिफिकेशन टू सेल्फ रियलाइजेशन, ये पुष्प बताता है। अमेरिका का पुष्प होगा, किसी भी दुनिया में किसी भी देश का पुष्प होगा। भारत माता चाहती है कि दुनिया का हर देश का पुष्प अपनी अपनी सुगंध एक दूसरे को प्रदान करें, अगर विश्व को एक बनना है। हम जगन्नाथ प्रभु के पुष्प हैं ऐसा मानिए, और हम चाहते हैं कि पूरा विश्व ब्रह्मांड प्रभु जगन्नाथ का ही पुष्प बन जाए। किधर से निकलता है पुष्प? धरती से। इसका मतलब हो गया धरती मेरी माता है, मैं उसका पुत्र हूं। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, माता पृथ्व्या पुत्रो अहम्। ये पृथ्वी मेरी माता है, ये पकड़ता है पानी। माता पृथ्व्या पुत्रो हम, ये पृथ्वी मेरी माता है, मैं उसका पुत्र हूं। आतम वत् सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुंबकम् सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये सब किधर से निकला है? धरती माता से निकला है। दुनिया की बेटियां, लोग कहते हैं पैदा होती हैं, बेटियां पैदा नहीं होती हैं, अवतरित होती हैं, उसका नाम भूमिया है, भूमि से पैदा होती है। अग्नि से यज्ञ सैनी द्रौपदी पैदा होती है, पर्वत को चूर चूर करे पार्वती पैदा होती है, जल का चरणिंग करे तो लक्ष्मी पैदा होती है, गंगा पैदा होती है जल से, आकाश से कोई मेनका उतरती है, शकुंतला बनाकर भरत बना देती है। बेटियां पैदा नहीं होती हैं, ये जयद्रथ सुन ले मेरी बात, शिशुपाल सुन ले, दुशासन सुन ले, दुर्योधन सुन ले, नहीं तो उनका हाल वही होने वाला है जो महाभारत में हुआ था।